सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन टू दिस चैनल द आई लिटरेट। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम आपके साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं, सो हम इस वीडियो के अंदर आपकी जो कास्ट कश्मीर की जो ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है आपकी, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी आपकी कौन से रैंक तक आपकी काउंसलिंग हो गई है और नेक्स्ट आपका जो कल कौन से डेट तक आपकी काउंसलिंग होगी कौन से रैंक तक। सो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कास्ट की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे। सो काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले आपकी मंडे को जो 15 से शुरू हुई थी आपकी काउंसलिंग, सो यहाँ पे ऑलरेडी मंडे वाली जो काउंसलिंग है आपकी हो गई है 126 to 100 और ट्यूसडे को भी हो गई आपकी 126 to 85 जिनके पॉइंट्स हैं उन वहाँ तक आपकी जो काउंसलिंग है वो हो गई है। नेक्स्ट जो आपको रहने वाली है कल आपकी होगी 18 को और यहाँ पे आपकी 70 पॉइंट्स से जिनके ऊपर मार्क्स हैं उनकी काउंसलिंग होने वाली है और 19 को यहाँ पे आपकी होने वाली है जिनके 55 मार्क्स से अबव जिनके मार्क्स हैं उनकी होने वाली है 19 को। सो आपको ये हमने देख लिया यहाँ पे जो आपको काउंसलिंग का टाइम क्या रहने वाला है और कितना आपका रैंक वगैरह है। सो यहाँ पे हमने देख लिया। सो इस सीधा हम यहाँ पे देखते हैं कि अब आपकी जो 85 तक आपकी ऑलरेडी काउंसलिंग हो गई है कि अब तक कोई बीच में अगर कोई आप में से स्टूडेंट रह गया 85 से अब तो अगर वो सीट लेना चाहता है तो वो जा भी सकता है क्योंकि यहाँ पे 126 टू 70 तक की कल काउंसलिंग है और 85 टू 120 अगर किसी ने मैक्सिमम जो बच्चे जिनके 85 से अब हुए हैं वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर ही चुके होंगे। सो हम मान के चलते हैं कि 85 मार्क्स तक काउंसलिंग होगी। अब जिनके 70 से अब मार्क्स हैं उनको कल क्या करना है, उनको जाना चाहिए कि नहीं, कौन सी सीट वैकेंट्स हैं, उनको कौन सी सीट चाहिए, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। ये जो काउंसलिंग की है यहाँ पे ये हमें स्टूडेंट ने भेजी है जो ये ट्यूसडे को इवनिंग की है और इसके बाद कोई एक दो सीट ही फिल हुई होंगी उसके बाद मतलब आलमोस्ट 5-6 बजे की ये जो हमने यहाँ पे फोटो डाला है। सो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आलमोस्ट जो सीटें जो सीट मैट्रिक्स रहने वाली है 18 की वो यही वाली रहने वाली है जो यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सीधा हम यहाँ पे देखते हैं जो आपकी ओपन मेरिट के अंदर बीबीएससी की कोई भी सीट अब वैकेंट नहीं रही है, सारी कंफर्म हो गई है और एस ओपन में उसके बाद बीबीएससी की पहले देख लेते हैं। एससी की जो 5 सीटें हैं उस 5 की 5 वैकेंट हैं अभी तक और एसटी की जो है 0 वैकेंट है और कंफर्म हो गई हैं 12 की 12। आरबीए की भी कंफर्म हो गई हैं, सारी वैकेंट जो है अब 0 है और उसके बाद हम देखें यहाँ पे एएलसी की अभी 2 वैकेंट सीट्स हैं। ओबीसी की जो सीट्स हैं उसके अंदर 5 की 5 यहाँ पे 0 वैकेंट है अब और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे तल फाइनेंस की आपकी जो 0 सीट्स अब वैकेंट रह गई हैं। जीओजेके जो कैटेगरी है उसकी 0 सीट वैकेंट है और पीडब्ल्यूडी और सीडीपी की भी 0 सीट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर भी यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर ओपन मेरिट की 0 सीट्स वैकेंट है अब और की 9 सीट्स वैकेंट है सीट्स हैं। एसटी के अंदर 15 सीट्स आपकी वैकेंट है और आरबीए कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे आपकी 0 सीट्स वैकेंट हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर और एएलसी की यहाँ पे 4 सीट्स वैकेंट हैं। ओबीसी की भी 4 सीट्स वैकेंट है अभी और ईडब्ल्यूएस की 10 सीट वैकेंट है और सेल्फ फाइनेंस की 49 सीट्स वैकेंट हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर और जीओजेके की 3 सीट्स वैकेंट है और बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें ओपन मेरिट की 1 सीट हॉर्टिकल्चर की सारी यहाँ पे। एससी की देखें तो 9 सीट वैकेंट है और एसटी की 22 सीट्स वैकेंट है और आरबीए की 10 सीट्स वैकेंट है, एएलसी आईबी की 4 सीट्स वैकेंट है और यहाँ पे ओबीसी की 0 सारी यहाँ पे ये दिखने में 9 दिख रहा है वैसे और या सो ईडब्ल्यूएस की 10 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस की 64 वैकेंट है और जीओजेके की 3 और बाकी जो है यहाँ पे 0 0 0। बीएससी फॉरेस्ट्री के अंदर यहाँ पे ओपन मेरिट की 25 सीट्स वैकेंट है, एससी की यहाँ पे 4 सीट्स वैकेंट है बीएससी फॉरेस्ट्री के अंदर और एसटी की 10 सीट्स, आरबीए की 5, एएलसीआईबी की 2 सीट्स, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5 और सेल्फ फाइनेंस की 25 है फॉरेस्ट्री के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम अगर हम यहाँ पे बात करें सेरिकल्चर की, सेरिकल्चर के अंदर जो यहाँ पे 24 सीट्स वैकेंट है ओपन मेरिट की और एससी की 4 सीट वैकेंट है, एसटी की 10 सीट वैकेंट है, आरबीए की 4, एएलसीआईबी की 2, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 4 सीट वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस की 24, जीओजेके की 1। नेक्स्ट बीएफएससी की देखें तो 17 सीट ओपन मेरिट की, 3 सीट एसटी की, एससी की 7 सीट एसटी की, आरबीए की 3 सीट्स, एएलसीआईबी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, सेल्फ फाइनेंस की 17 सीट्स वैकेंट है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 10 सीट्स वैकेंट है और एससी की यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट हैं और यहाँ पे एसटी की देखें तो 4 सीट्स वैकेंट है, आरबीए की 2, एएलसीआईबी की 1, उसके बाद ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स वैकेंट हैं और सेल्फ फाइनेंस की 10। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे 0 सीट्स वैकेंट हैं, कंफर्म हो गई हैं 11 ओपन मेरिट के लिए और एससी के लिए यहाँ पे देखें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी की 4 सीट्स वैकेंट है, आरबीए की 2 वैकेंट है, एएलसीआईबी की 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी की 1 सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस की 2, सेल्फ फाइनेंस की 12। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की, यहाँ पे 7 सीट्स वैकेंट हैं,
ओपन मेरिट की। एससी की देखें तो 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी की 5 सीट्स, आरबीए की 2 सीट्स वैकेंट है, एलसी की 1, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2, सेल्फ फाइनेंस की 12 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद यहाँ के हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आपकी 2 सीट्स वैकेंट है फॉर ओपन मेरिट, और एससी की 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी की 5 सीट्स वैकेंट है, आरबीए की 2, एएलसी आईबी की 1 और ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, सेल्फ फाइनेंस की 12, जीओजेके की 0। ये थी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो आपको ऑलमोस्ट आपकी 18 यहाँ पे 18 को ये वाली सीट मैट्रिक्स आपकी ऑलमोस्ट रहने वाली है, एक दो सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इस कास्ट के अंदर यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमको, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी वगैरह भी पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो बाकी सब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।